एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? जैसा आप जानते हैं, हमने बिजनेस लेटर का पार्ट वन देखा था, जिसमें हमने बिजनेस लेटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमने देखी थी। किस तरह के बिजनेस लेटर्स होते हैं वो हमने देखा था, लाइक उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। आज हम उसी का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर, पार्ट क्या क्या हो सकते हैं इसके, और इसके साथ ही साथ इसका फॉर्मेट, और इसके साथ ही साथ इसके काइंड्स हम देखने वाले हैं, यानी कि टाइप्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर्स क्या क्या पार्ट्स होते हैं। एक बिजनेस लेटर को जब आप लिखते हैं तो आपके पास होता है सेंडर का एड्रेस, जिसमें आप उसका फुल नेम, जॉब टाइटल, कंपनी नेम, एड्रेस, सारी चीजें आप मेंशन करते हैं। फिर आप लिखेंगे डेट, यानी कि किस ये लेटर जो है वो कब लिखा जा रहा है, वो आपका होना चाहिए। साथ ही साथ आप लिखते हैं, और ये बिलो द एड्रेस, एड्रेस के सेंडर के एड्रेस के नीचे आपका होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप जो लिखेंगे, दैट इज द रिसिपिएंट एड्रेस, ठीक है, यानी कि जिसको आप भेज रहे हैं। दिस इंक्लूड द फुल नेम, जॉब टाइटल, कंपनी नेम ऑफ एंड द एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट, एंड इट इज यूजली प्लेस बिलो द डेट, ये डेट के नीचे आपका रहेगा। देन आपका आएगा सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन यानी कि ग्रीट आप जो कर रहे हैं वो यहाँ पर आपकी मेंशन होगी, जैसे कि डियर सर, मैम, इस तरह से। फिर उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस लेटर। इट इज दी वन लाइनर होता है अबाउट योर लेटर, किसके लिए आप अपना लेटर लिख रहे हो वो आपको बताना है। फिर आता है आपका बॉडी, यानी कि कंटेंट जो आप बता रहे हो, मेन पार्ट। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द बिजनेस लेटर, इट कंटेन द मैसेज ऑफ द कंटेंट, कि आप क्या बेसिकली लिखना चाह रहे हो वो बहुत ही ज्यादा क्लियर, कंसाइज और प्रोफेशनल लैंग्वेज में होना चाहिए। देन आपका आता है क्लोजिंग, क्लोजिंग दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द बिजनेस लेटर्स, जिसमें आप सिंसियरली और बेस्ट रिगार्ड जरूर लिखेंगे। जब भी आप क्लोजिंग फ्रेसेस को स्टार्ट कर रहे हैं ना, क्लोजिंग पार्ट आप स्टार्ट कर रहे हो, तो इसको आप जरूर मेंशन करेंगे। इट्स लुक नाइस एंड इट्स कंपल्सरी ऑल्सो, लाइक अच्छा रहता है। फिर आता है आपका सिग्नेचर पार्ट, लेटर शुड बी साइंड बाय द सेंडर, सेंडर के थ्रू इसको साइंड होना चाहिए, और सेंडर का जो साइन है वो जो क्लोजिंग फ्रेस है वही उसी के पास ही होना चाहिए। जैसा आपको पता ही है, हम जब लिखते हैं यू आर सिंसियरली, और फिर उसके बाद हम अपना जब नाम लिखते हैं, तो यहाँ पर आपका साइन एंड देन नीचे आपका नाम आता है। फिर आता है आपका इनक्लोजर, इनक्लोजर इफ द लेटर इंक्लूड एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या मटेरियल, कुछ भी अगर है तो उसकी लिस्ट आपको इनक्लोज करनी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपने एक लेटर लिखा हुआ, उसके साथ में आप कोई डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भेज रहे हो, तो उसकी लिस्ट आप यहाँ पर इंक्लोज कर देंगे। देन आता है आपका कार्बन कॉपी, इफ द लेटर इज बीइंग सेंट टू द एडिशनल रेसिपिएंट, किसी और को भी आप इसको भेज रहे हैं, देयर नेम शुड बी लिस्टेड इन द सीसी सेक्शन, ठीक है, तो उसका नेम जो है वो मेंशन रहता है। ये देखिए यहाँ पर, जैसे इसका एक सैंपल मैं बता रही हूँ, ये काफी बड़ा सा आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये आपको क्लियर दिखाने के लिए शो किया गया है। बिजनेस लेटर का आप टेम्पलेट देख सकते हैं, आपका नाम आ गया, आपकी जॉब का टाइटल आ गया, आपकी कंपनी आ गई, आपकी कंपनी का एड्रेस आ गया, आपका सिटी आ गया। फिर यहाँ पर आप इसको डेट को मेंशन करेंगे, डेट के नीचे जिसे आप भेज रहे हैं उसका नाम, उसकी जॉब, उसकी कंपनी, उसकी कंपनी का एड्रेस और सिटी पे मेंशन करेंगे। फिर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेटर को, जिसमें आप डियर यानी कि ग्रीट करेंगे। फिर यहाँ से आपका हो गया आपका जो सब्जेक्ट है वो आ गया, देन इसका आ गया आपका बॉडी जो आप मेंशन करेंगे, देन आ गया आपका क्लोजिंग पैराग्राफ, देन आप उसको क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद आपका सिग्नेचर, आपका नाम, आपका जॉब का टाइटल, और फिर इनक्लोजर जो भी मेंशन है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इस तरह से पूरा आपका लेटर बनता है और वो इस तरह से आपका शो होगा, ठीक है। दिस इज योर डिटेल, दिस इज रेसिपिएंट डिटेल, ये आपका बॉडी आ गया, ये क्लोजर आ गया, और यहाँ पर आपकी डिटेल आ गई। यहाँ कोई भी इनक्लोजर मेंशन नहीं था, इसलिए नहीं किया। अगर इनक्लोजर है तो आप यहाँ पर इनक्लोजर को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसा मैंने कहा था कि कुछ टिप्स इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ तक आपको समझ में आ ही चुका होगा, तो टिप्स क्या क्या हो सकते हैं इसके लिए। तो टिप्स है आपका राइटिंग अ बिजनेस लेटर, ये इम्पॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ द लेटर, सबसे पहले आपको बिजनेस लेटर का पर्पस पता होना चाहिए, और उसमें प्रोफेशनल टोन आपको यूज करना है। कंसाइज फॉर्म में आपका बिजनेस होना चाहिए, यानी कि शॉर्ट, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपका होना चाहिए। क्लियर और स्पेसिफिक लैंग्वेज आपको यूज करनी है, नो जार्गन, नो टेक्निकल टर्म्स, है ना। यूज द करेक्ट ग्रामर एंड स्पेलिंग्स, अदरवाइज मीनिंग कुछ भी कुछ निकल सकता है। फॉलो द एप्रोप्रिएट फॉर्मेट, जैसा मैंने अभी बताया था उस तरह से आपको एक एप्रोप्रिएट फॉर्मेट के फॉर्म में अपना लेटर भेजना है, बिकॉज दिस इज नॉट द फॉर्मल लेटर, दिस इज द प्रोफेशनल लेटर। तो प्रोफेशनल लेटर को आपको प्रोफेशनल तरीके से ही भेजना है, ये समझ के रखिएगा। देन आपको प्रूफ रीड ऑफ लेटर जरूरी है, यानी कि जो भी आप लेटर भेज रहे हो उसको भेजने से पहले एक बार उसकी प्रूफ रीड कर लीजिए कि स्पेलिंग सही है, लेटर जो लिखा हुआ है उसका कंटेंट सही है या नहीं, है ना, तो वो आपको चेक करना जरूरी है। तो प्रूफ रीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ हियर इज द टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स, कौन कौन से टाइप्स हैं। यहाँ पर बेसिकली बिजनेस लेटर्स जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं, इंफॉर्मेशन लेटर, सेल्स लेटर, प्रॉब्लम लेटर एंड गुडविल लेटर, ठीक है।
इन्फॉर्मेशन लेटर जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, रूटीन और स्पेशल लेटर। रूटीन जैसे कि इंक्वायरी लेटर हो गया, कोटेशन लेटर हो गया, ये रूटीन लेटर्स हो गए। स्पेशल में जैसे कोई सर्कुलर पास किया जा रहा है या कोई पर्सनल आप जो इन्फॉर्मेशन के लिए लेटर भेज रहे हैं वो हो गया। सेल्स लेटर्स में आपका वॉलेंटरी लेटर्स हो गया, ऑफर हो गया, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो है वो आपका हो जाएगा। प्रॉब्लम्स लेटर्स में कंप्लेंट से रिलेटेड, कंसेशन से रिलेटेड या फिर आपका ओवरड्यू अकाउंट से रिलेटेड कोई भी है अगर है तो वहां पर आ जाएंगे। गुडविल में जैसे आप किसी को ग्रीटिंग के लिए भेज रहे हैं, थैंक्स के लिए भेज रहे हैं लेटर, कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए या फिर कंडोलेंस के लिए भेज रहे हैं। तो इस तरह से बेसिकली चार तरह के बिजनेस लेटर्स हो सकते हैं, आपका इन्फॉर्मेशन लेटर, सेल्स लेटर, प्रॉब्लम लेटर एंड गुडविल लेटर। ओके, आई होप कि ये चीजें समझ में आ चुकी हूँ। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने देखा कि बिजनेस लेटर्स जो है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसका सैंपल हमने देखा है और क्या क्या टिप्स फॉलो करनी की जाती है। तो जब भी आप बिजनेस लेटर लिखें तो इसको जरूर ध्यान में रखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से भी एंड फॉर दी बिजनेस परस्पेक्टिव से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट। इफ यू लाइक द वीडियो तो लाइक बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।